हेलो वीवर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉग के एक नए इंट्रोडक्शनल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिग्रेडर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिग्रेडर सिस्टम में होने वाले प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शनल वीडियो है। तो डिग्रेडर सिस्टम में क्या होता है, इससे पहले चलिए देखते हैं ये वीडियो। ये फीड वाटर टैंक का एक लोगो है, जिसके अंतर्गत हमने दो पंप लिए हैं और ऊपर डीएम ट्रांसफर पंप दिखाई जा रही है। ये फीड वाटर टैंक में एक जो आपको दिख रहा है वो आपके लिए MMWC के थ्रू प्रेशर दिखाएगा, और साथ ही 11.70 kg का भी प्रेशर दिखा रहा है। ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये कंट्रोल रूम किस सिस्टम पर काम करता है वो देख लेते हैं। डिएरेटर, ये है हमारा डिएरेटर कंट्रोल रूम, कंट्रोल लूप फॉर डिएरेटर जो भी आप कह लीजिए। बिल्कुल पिछले वीडियोस में जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि किसी भी कंट्रोल लूप में कितने प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, ऑटो मैनुअल और साथ ही साथ ऑपरेटर मोड। देखिए इसमें आप अभी देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सेट पॉइंट था वो 65 का था। ठीक है, सेट पॉइंट जितना हम डालेंगे उसी वैल्यू, जो वैल्यू का सेट पॉइंट पड़ेगा उसी पर वो आगे पीछे रोटेट करता रहेगा, मतलब काम करता रहेगा। ये आपका एलपी डॉजिंग टैंक है, इसमें एक एजिटेटर लगा हुआ है और डॉजिंग पंप आपके सामने दो हैं जिसमें एक चल रहा है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जो डॉजिंग टैंक्स होती है उनके बारे में ज़रूर जानें। क्यों? क्योंकि यदि आप एक बॉयलर ऑपरेटर बन रहे हैं, बॉयलर इंजीनियर बन रहे हैं, तो आपको डॉजिंग के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द इंडस्ट्रियल अपडेट्स। ये है DSH। क्या है DSH? स्टीम टेम्परेचर मास्टर कंट्रोलर। जो डिएरेटर में स्टीम जा रही है उसके लिए हमारे टेम्परेचर का ये मास्टर कंट्रोलर है, और साथ ही PRDS के कंट्रोल के थ्रू जो हम डिएरेटर में स्टीम लेते हैं उसका ये कंट्रोलर है। तो आप एक बात और जान लीजिए कि डिएरेटर में जितने भी स्केप लगे होते हैं, FD स्केप और ISA स्केप, इन स्केप्स का क्या यूज होता है और क्या इसका इफेक्ट पड़ता है डिएरेटर सिस्टम में, ये भी आप ज़रूर समझें। ठीक है, हालांकि ये इंट्रोडक्शनल वीडियो है तो मैं इसको एलिब्रेट करूँगा नहीं, इसके आने वाले पार्ट्स में आपको एलिब्रेशन मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने आपसे फिर वही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप अपने सभी डाउट्स को कमेंट पर करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं आपके उस कमेंट्स के ऊपर वीडियो बना पाऊँगा। ये डिएरेटर टैंक है, डिएरेटर टैंक का लेवल अभी 64% पर है, टेम्परेचर 135.271 kg, इस पर जो स्टीम का है वो है प्रेशर। डिएरेटर क्यों लगाया जाता है इस पर आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप एक नॉर्मल ऑपरेटर, एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप ऑपरेटर बन रहे हैं तो उसमें एक नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू का इमेजिनेशन बदल कर रख सकती है। तो आज का क्वेश्चन है, डिएरेटर सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है, इस पर ESP टेम्परेचर का कंट्रोलर जो है उसका क्या असर पड़ता है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपोर्ट करता हूँ, डिएरेटर सिस्टम क्यों लगाया जाता है और इस पर ESP इनलेट टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, ज़रूर बताइएगा। एक बात और, जो हमारा डिएरेटर सिस्टम होता है उसमें कितने प्रकार के कंट्रोलर होते हैं ये देख लीजिए, आपके सामने दिखाई जा चुके हैं। ये जो कंट्रोलर हैं ये कंट्रोल लूप पर काम कर रहे हैं, इसकी सेट पॉइंट्स कितनी होगी ये आपके बॉयलर की कैपेसिटी और डिएरेटर की कैपेसिटी पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसमें फीड पंप का एक सेक्शन दिखाया जाता है, जो फीड पंप के दो सेक्शन हैं, एक सक्शन है और एक डिस्चार्ज है। बीच में फीड पंप दो दिए गए हैं जिसमें एक हम चालू रखे हैं और दूसरा ऑटो में रखे हैं। तो एक बार और मैं फिर से आपको इंट्रोडक्शनल वीडियो दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में दें, मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा और उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब एक क्वेश्चन और ये रहा आपसे, आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, आप किन किन टॉपिक पर सीरीज़ की वीडियोस चाहते हैं। सीरीज़ की वीडियो मतलब पूरा कोर्स, पूरा कोर्स मतलब फिजिकल ओवरव्यू से लेके इंट्रोडक्शन से लेकर के उसका ऑपरेशन भी दिखाऊंगा मैं, किस तरीके से वो ऑपरेट करता है। यदि आप स्लो फायर बॉयलर पर डिपेंड करते हैं, काम करते हैं, तो एक बार सीरीज़ वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।